के पीछे जो मेरा पहला अट्रैक्शन था वो था हिंदुत्ववादियों की हार को देखना, और ये हार तभी होती जब ये फिल्म जबरदस्त जो है कामयाबी हासिल करती। पठान को बम्पर हिट बनाने के लिए हीन मानसिकता ग्रस्त हिंदुओं को धन्यवाद। धन्यवाद खास तौर से इसलिए कि पठान ने बॉलीवुड को संजीवनी प्रदान कर दी, और हाल में जितनी भी रिपोर्टें आई हैं उनसे पता चलता है कि ये फिल्म तो जो है अब तक भारत की जितनी भी माने सबसे हिट फिल्म है उनका रिकॉर्ड ब्रेक करने जा रही है। हिंदी में सबसे अधिक कमाई जो है दंगल फिल्म ने की थी, 390 करोड़, लेकिन समीक्षकों का मानना है कि ये फिल्म जो है 500 करोड़ ये पार करने जा रही है। ये बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है, तो इसकी सफलता का कोई सीमा नहीं। 57 साल की एज में जो है शाहरुख खान जो है एक्शन में उतरते हैं, इनकी पहचान जो है आपका किंग ऑफ रोमांस के रूप में रही। ये कॉमेडी के मास्टर, ये तमाम भाव उतार सकते थे, लेकिन जो कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि शाहरुख खान जो है एक्शन भी करेंगे। लेकिन पठान में जो शाहरुख खान का एक्शन सामने आया है, इस पर एक बड़ा अच्छा कमेंट उनके जो सहयोगी है इस फिल्म में जॉन अब्राहम, उनके तरफ किया। जॉन अब्राहम ने कह दिया है कि शाहरुख खान ने साबित कर दिया है कि इंडिया के ग्रेटेस्ट एक्शन हीरो। बड़ी ताज्जुब की बात है सर कि जो है कि इसमें बहुत सी ऐसी बातें थी कि इस फिल्म को हिट नहीं होना चाहिए था। एक तो ये इसमें एक मुस्लिम कैरेक्टर को ग्लोरीफाई किया गया था, दूसरा ये कि हिंदू कैरेक्टर को जो विलेन के रूप में उतारा गया है, जो रॉ का जो है एक सीनियर ऑफिसर है और वो बागी हो जाता है इसलिए कि उसकी पत्नी को जो है आतंकवादी गिरफ्तार कर लेते हैं और बदले में जो है फिरौती मांगते हैं, सरकार जो है फिरौती नहीं देती है और पत्नी को मार दिया जाता, तब जो है उसका भारत सरकार से मोह भंग हो जाता है और वो बागी बन करके जो है देश को बर्बाद करने पर तुल जाता है। इसी को जो है उसके अभियान को नाकाम करने की जिम्मेवारी जब पठान पर आती है और वो बहुत ही शानदार अंदाज में काम कर। पठान पर दुसाहस, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं पठान फिल्म की, और उस पर डाइवर्सिटी मैन ऑफ इंडिया एचएल दुसाद की समीक्षा और टिप्पणी की। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। पहले आपको छोटा सा इंट्रो दे दूं कि दुसाद साहब सिर्फ लेखक एक्टिविस्ट ही नहीं, वो क्रिकेट और फिल्म के भी बहुत शौकीन है और हिंदी अंग्रेजी दोनों फिल्म बहुत बारीकी से देखते हैं। पठान फिल्म रिलीज होने से पहले एक गाने और सीन को लेकर, कपड़ों को लेकर बवाल पैदा किया गया, राजनीति हुई ज्यादा। बावजूद इसके पठान ने बेहद जबरदस्त बिजनेस किया और सुपर डुपर हिट रहा। दुसाद साहब जो कि आर्थिक मामलों के समीक्षक हैं, डाइवर्सिटी मामलों के जानकार हैं, डाइवर्सिटी मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं, जरा उनसे समझने की कोशिश करेंगे। वैसे मैंने फिल्म देखी नहीं और फिल्म में मेरी दिलचस्पी कम है, थोड़ा वक्त भी नहीं होता है, तो सीधे तुषार साहब के थ्रू हम पठान को देखने की कोशिश करते हैं। जरा इनकी समीक्षा किस तरह की है, आप सब इत्मीनान और धैर्य के साथ जरूर सुनते रहिएगा। स्वागत है तुषार साहब थैंक यू सर। भारत के जी। बेहद पॉपुलर चैनल पर एक बार फिर मुझे अवसर देने के लिए अशेष धन्यवाद आपको। जी जहां तक सर पठान का सवाल है, पठान जो है एक नेशनल इवेंट बन चुका है, एक राष्ट्रीय परिघटना बन चुकी है। जैसा कि आपने बताया शुरुआत में, इस फिल्म के गाने को लेकर के पूरे देश में विवाद हुआ। विवाद इस सीमा तक बढ़ा कि लोगों को संदेह होने लगा कि शायद ये फिल्म रिलीज हो पाएगी कि नहीं। लेकिन जब 25 तारीख को ये फिल्म रिलीज होती है सर, जी अजीब स्थिति पैदा हो जाती है। फिल्म को लेकर के मैं बहुत उत्सुक था सर, कई कारणों से। जी पहले तो मैं देखना चाहता था कि जो इसके बायकॉट के पीछे इस तरीके से जो है जुनून पैदा कर रहे हैं उनकी हार होती है कि नहीं। मसलन पठान के पीछे जो मेरा पहला अट्रैक्शन था वो था हिंदुत्ववादियों की हार को देखना, और ये हार तभी होती जब ये फिल्म जबरदस्त जो है कामयाबी हासिल करती।
तो मैं उस दिन जो 25 तारीख को ये फिल्म रिलीज होती है सर, तो जैसे मैं आपने बताया कि मैं फिल्मों का काफी क्रेजी हूँ, और कोई खास फिल्म जो इतिहास सृष्टि करने वाली हो उसके प्रति तो मैं बहुत ही गंभीर होकर देखता हूँ। तो 25 तारीख को मेरी स्थिति समझ जाइए सर, एक क्रिकेट प्रेमी जैसी हो गई। जैसे वनडे का कोई फाइनल होता है या टेस्ट मैच होता है तो हम लोग पल पल जो है वो देखना चाहते हैं कि क्या स्कोर हुआ, कौन आउट हुआ, क्या नहीं। तो 25 तारीख को मैं बिल्कुल सर जो है क्रिकेट प्रेमी के मूड में आ गया और पल पल की जानकारी लेते रहा। ये फिल्म जो है उस दिन शायद 7 बजे रिलीज हुई थी इंडिया किसी कोने में, और इस पर जो है 9-10 बजे से जो ऑडियंस है उनकी प्रतिक्रिया आनी शुरू हुई। मैं शायद 10 बजे जो है अपना वो गूगल खोला और रिपोर्ट इत्यादि में देखने लगा। तो 10 बजे से लेकर के सर शाम तक मैं थोड़ी थोड़ी देर पर जो है वो इसकी लोगों की प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करता रहा, और मुझे लगता है कि 10 बजे के करीब पहली जो है प्रतिक्रिया आई ऑडियंस की। हॉल से निकल रहे थे, पत्रकार उनसे पूछ रहे थे, तो ऑडियंस के चेहरे पर जो जुनून था, जो एक भाव था, उसे लेकर के जो है मैं बड़ा इस फिल्म के प्रति पॉजिटिव हुआ। तो जो पहली प्रतिक्रिया सुना उसके कुछ देर बाद से सर जो मैंने फेसबुक पर जो है अपनी एक टिप्पणी डाली। आपको मैं बता दूं सर कि जो मैंने पहला जो पोस्ट डाला था फेसबुक पर वो बड़ा ही खास रहा। पहला मेरा पोस्ट था क्या क्या पठान शाहरुख के लिए उनके हॉलीवुड प्रतिद्वंदी टॉम क्रूज के टॉप गन मैवरिक जैसा ब्लॉकबस्टर साबित होगा? क्या उनके प्रतिद्वंदी जो टॉम क्रूज है उनकी जो फिल्म आई है टॉप गन मैवरिक, क्या उसकी तरह ब्लॉकबस्टर साबित होगा? कुछ देर बाद जो है फिर मैंने दूसरा जो पोस्ट डाला वो था आ गया पठान फिल्म, विशेष के प्रति ऐसा क्रेज आपने कब देखा था? यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। अगला जो मैंने पोस्ट डाला कुछ अंतराल के बाद, पठान की समीक्षा सीट से उठने नहीं देगा पठान। जो चौथा पोस्ट मैंने डाला सर, पठान पर आई समीक्षाओं से संकेत मिल रहा है कि मेरे पूर्वानुमान के मुताबिक यह फिल्म जो है भारत के लिए, हाँ, या शाहरुख खान के लिए टॉम क्रूज के टॉप गन मैवरिक साबित होने जा रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो मेरा पोस्ट था, पठान को बम्पर हिट बनाने के लिए हीन मानसिकता ग्रस्त हिंदुओं को धन्यवाद। धन्यवाद खास तौर से इसलिए कि पठान ने बॉलीवुड को संजीवनी प्रदान कर दी है। अगला जो मेरा पोस्ट था सर, समस्या हिंदुओं की कुंठा की है, संदर्भ पठान। और सातवां जो लास्ट पोस्ट में डाला था सर, पठान ने धन्य कर दिया बॉलीवुड को, साबित किया कि यदि सही तरीके से पठान जैसी फिल्में बने तो बॉलीवुड दुर्दिन से उभर सकता है। तो कहने का मतलब है कि ये फिल्म जब ये पर पाठकों श्रोताओं की जो प्रतिक्रिया आनी शुरू होती है उस समय से लगा कि ये बम्पर हिट होने जा रही है, और ये सही है कि इसने जो है अब तक भारत की फिल्मों का सारा रिकॉर्ड ही ब्रेक कर दिया। तो जो एक फिल्म समीक्षक की नजर से मुझे इस बात की संतुष्टि है कि मैं पहला व्यक्ति हूं जिसने इसके रिलीज के 2 घंटे बाद ही जो है एक बड़ी संभावना बता दिया, और इसकी तुलना हमने किया टॉप गन मैवरिक जो टॉम क्रूज की फिल्म है उससे। अब जो मैंने तुलना किया सर, क्यों किया, इसके लिए थोड़ा हम लोगों को जानना पड़ेगा, टॉप गन मैवरिक की हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। ये फिल्म जो है पिछले साल रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए। वहां पर पिछले वर्ष की जो सबसे हिट फिल्म मानी गई है अवतार 2, जो जेम्स कैरून की फिल्म है, इस फिल्म ने जो है 2 बिलियन से अधिक की कमाई की है, और टॉप गन मैवरिक जो है लगभग 1.5 बिलियन जो है पिछले साल कमाई की थी। तो मैं जो है उससे तुलना किया था इस फिल्म की, और संजोग से बात साबित होती है। अब क्या है टॉप गन 2 मैवरिक, जरा इसकी हिस्ट्री जानने के लिए हम लोगों को सर हॉलीवुड के थोड़ा अतीत में जाना पड़ेगा। हॉलीवुड सर बरसों से भारत की ही नहीं पूरी दुनिया के लिए जो है विस्मित करने वाला फिल्में बनाता रहा है, लेकिन 80 का डेकेड उसके लिए बहुत खास रहा। 1980 के बाद का जो दशक है उसमें जो है
जबरदस्त जो है उसका, मैंने फिल्मों का जो ब्लॉकबस्टर साबित होता है, टेक्निकली गुणवत्ता साबित होती है। सबसे बड़ी बात कि उस दौर में बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं नए नए डायरेक्टर्स को जो है अपना इमेजिनेशन को पर्दे पर उतारने के लिए पूरा लिबर्टी देती हैं, और उसके फलस्वरूप जो है कुछ यादगार फिल्मों की एक झड़ी लग जाती है। उसी दौर में जो है फिल्म इतिहास की जो है बहुत ही महान फिल्में आई, जैसे ईटिंग आती है, रेजिंग बुल आती है, प्लाटून आती है, ब्लेड रनर, स्टार वॉर्स, टूटसी, क्रीमर वर्सेस क्रेमर, द अनटचेबल्स, द टर्मिनेटर, डाई हार्ट जैसी फिल्में आती हैं। ये फिल्में जो है सर बॉक्स ऑफिस पर बेहिसाब कमाई थी, ऑडियंस को विस्मित करके रख दी अपनी टेक्नोलॉजी की वजह से। और इनके पीछे जो बड़ी भूमिका थी सर वो डायरेक्टर्स की थी। इस दौर में कुछ ऐसे डायरेक्टर पैदा हुए जो हॉलीवुड की हिस्ट्री के जो है सर्वकालिक महान डायरेक्टरों में शुमार हो गए। जो डायरेक्टर ईटी के डेकेड में बहुत ही शानदार जो है अपना परफॉर्मेंस दिए थे, फिल्म बनाई, उनमें जो है खास तौर से जो है चर्चित रहे आपका स्पीलबर्ग, जेम्स कैरून, जॉन कारपेंटर, रिचर्ड डोनर, मार्टिन स्कोसिस, जॉन हीज इत्यादि ऐसे ऐसे जो है डायरेक्टर से जो है धूम मचा के रख दिया। इनमें से दो डायरेक्टर इस सर्वकाल के सबसे अच्छे डायरेक्टर के रूप में चिन्हित हुए, एक स्टीफन स्पीलबर्ग और दूसरे जेम्स कैरून। स्पीलबर्ग सर वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने बहुत पहले 70 के डिकेड में जॉज फिल्म बनाई थी, और बाद में चलकर के इन्होंने ईटी बनाया, और ईटी के बाद से तो और भी एक से एक फिल्में ही बनाते चले गए। विशेष करके इंडियाना जोन सीरीज की जो इनकी फिल्में हैं जिसमें हैरिसन फोर्ड ने जो एक्टिंग किया वो तो बहुत ही मार्वेलस है। अभी कुछ दिन पहले ये हुआ है ये आपका गोल्डन ग्लोब अवार्ड की जो घोषणा हुई है उसमें इनकी फिल्म आई है, वो फिल्म जो है इनकी जीवनी पर आधारित है, ये बेस्ट फिल्म जो है घोषित हुई है। और हाल के वर्षों में जितनी फिल्में रिलीज हुई इसमें इसका जेम्स कैरून कैमरून की जो फिल्म है वाटर अवतार टू, इसका तो कोई जवाब नहीं। तो 80 के डेकेड में सर एक से एक फिल्में आती हैं, और इन फिल्मों के पीछे एक से एक डायरेक्टरों का उदय होता है। जो फिल्म जी डायरेक्टर जो है बहुत बड़े पैमाने पर पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित करते हैं वो दो रहे, एक रहे आपका स्टीफन वर्ग स्पीलबर्ग और दूसरे जेम्स कैरून। जी तो 1980 के दशक में बड़ी बड़ी फिल्में आई, बड़े बड़े डायरेक्टर हुआ, इसी क्रम में सर जो है बड़े बड़े एक्टरों का उदय हुआ एकदम, जिन्होंने स्टारडम की सारी जो है सीमाएं तोड़ के रख दी। जो एक्टर 1980 के दशक में सर ये होते पैदा होते हैं जिनका जो है स्टारडम बुलंदियों को छूता है, उनमें जो है बड़े नाम रहे डेंजिल वाशिंगटन, टॉम जी हैंक्स, रोबिन विलियम, रॉबर्ट डी नीरो जिनको हम लोगों ने इसमें देखा है या गॉडफादर में देखा है, कर्ट रसेल, मेल गिब्सन। मेल गिब्सन की जो है मैड मैक्स सीरीज जैसा उस फिल्म का तो क्या कहना, जो देखने वाले लोग हैं विस्मित होकर के रह जाते हैं। जैक निकल्सन, कुकुज ओवर द नेस्ट जो है फिल्म जो है दुनिया में उनके अभिनय का डोहा मनवा कर रख दी। हरिसन फोर्ड ने जो है स्टीफन स्पीलबर्ग की फिल्म की सीरीजों में जो इंडियाना जोन्स है, जो रेडर्स ऑफ द लॉस्ट आर्क है, इन फिल्मों में जो एक्शन दिया इसका तो कोई जवाब ही नहीं होता। इन्हीं लोगों के बीच जो है टॉम क्रूज का उदय होता है। तो बड़े बड़े फिल्मों और डायरेक्टरों के बीच जिस तरीके से जो वो उभरते हैं, स्टीवन स्पीलबर्ग और जेम्स कैमरून उभरते हैं सर, उसी तरीके से 1980 के दशक में दो नायकों का उदय होता है, एक है टॉम हैंक्स और दूसरे हैं उनके भी नाम के शुरुआत में टॉम है, दूसरे हैं टॉम क्रूज। इन दो एक्टरों ने सर जो है 1980 के दशक से जो राज शुरू किया आज भी इनकी बादशाह जो है वो आपका हॉलीवुड में कायम है। इनमें अभी पिछले दिन आप एक फिल्म की चर्चा सुने होंगे, आमिर खान की जो फिल्म आई थी लाल सिंह चड्ढा, उस फिल्म के पीछे जो थे बहुत बड़ी भूमिका इनकी थी, फॉरेस्ट गंप के हीरो टॉम हैंक्स की। टॉम हैंक्स जो है उस फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड पाए थे, और इस फिल्म ने दुनिया भर में धूम मचा के रख दिया था। उसी का जो है रिमेक करने की कोशिश किया था आपका आमिर खान ने, लेकिन दुर्भाग्य से ये फिल्म जो है हिट नहीं हो पाई। तो
बहरहाल 80 के डिकेड में, 1980 के बाद के दशक में जो दो नायकों का उदय होता है जो महानायक के तौर पर आज भी राज कर रहे हैं, उनमें पहले थे टॉम हैंक्स और दूसरे नंबर पर टॉम क्रूज। टॉम क्रूज की ही फिल्म आई थी आपका क्या नाम है, टॉम टॉप गन मैवरिक। बहरहाल 1980 के दशक में जहां बॉलीवुड हॉलीवुड जो है एक से एक विश्वमेकर फिल्में देता है, एक से एक बड़े डायरेक्टर पैदा करता है, एक से एक हीरो जो है स्टारडम की बुलंदियों को छूते हैं, उस दौर में यदि आइए तो बॉलीवुड की स्थिति निहायत ही शोचनीय थी। बॉलीवुड आपका जो है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री विशेष करके बॉम्बे वाले जो है वो सिर्फ जो है हॉलीवुड की नकल किए जा रहे थे, दूसरी भाषाई फिल्मों की नकल किया जा रहे थे, मौलिकता के नाम पर इनका कुछ नहीं था। ये फिल्मों तो भारी संख्या में बनाते थे लेकिन इन फिल्मों की अंतर्राष्ट्रीय जगत में कोई जो है पहचान नहीं थी, विशेष करके जो है आपका ऑस्कर अवार्ड चाहे गोल्डन ग्लोब्स में तो इनकी कोई पूछ ही नहीं थी। तो 1980 के दशक में जहाँ हॉलीवुड जो है अपने बिल्कुल जो है टॉप पर पहुंचा, उस दशक में भारतीय फिल्मों की स्थिति बहुत शर्मनाक थी। लेकिन उसी दौर में इंडिया में दो एक्टर का उद्भव होता है सर, एक आमिर खान और दूसरा जो है शाहरुख खान। ये दो एक्टर जो है इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, ये बिल्कुल हॉलीवुड के जो टॉप एक्टर है, हॉलीवुड के जो बेस्ट एक्टर है, ये उनके मुकाबले में पहुंच जाते हैं। एक अजीब संयोग माना जाएगा सर, आपका यह उम्र में जो है जो हॉलीवुड के जो टॉप एक्टर है टॉम हैंक्स और टॉम क्रूज, ये शाहरुख खान और आमिर खान से 3-4 साल बड़े हैं। संभवतः शाहरुख और आमिर खान की ये पैदाइश जो 1965 की है और उनसे 3-4 साल जो है बड़े टॉम क्रूज हैं और टॉम क्रूज से थोड़े बड़े जो है टॉम हैंक्स हैं। तो इन लोगों ने शुरुआत तो किया 1980 के शुरुआत में, लेकिन अंततः जो है जो हॉलीवुड के जो टॉप एक्टर हैं टॉम हैंक्स और टॉम क्रूज, इनको सफलता जाकर के जो है 1990 के आसपास मिलता है। उसी दौर में भारत में जो है 1988 में आमिर खान जो है कयामत से कयामत जैसी एक क्लासिक लव स्टोरी के माध्यम से फिल्मों में एंट्री करते हैं और कहां से कहां पहुंच जाते हैं। आइए सर थोड़ा उसी दौर में पठान पे आ जाते हैं। 1988 में पठान पठान 1988 पे आ में जो है पहुंच पठान पे आ जाएं, पठान का असेसमेंट थोड़ा सा किया जाए। रहे 1988 में ही जो है शाहरुख खान फौजी सीरियल के माध्यम से आते हैं और 1992 में इनकी फिल्म रिलीज होती है आपका दीवाना, और ये हमेशा के लिए छा जाते हैं। परवर्ती काल में जो है होता है क्या कि पॉपुलैरिटी के मामले में तो क्या नाम है शाहरुख खान आगे होते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड के मामले में आमिर खान बहुत आगे रहे, जैसे कि हॉलीवुड में टॉम हैंक्स रहे। टॉम हैंक्स को उनकी 10 में से 6 फिल्मों को जो है 8 पॉइंट की रेटिंग मिली है, जबकि आमिर खान को 10 में से 10 फिल्मों की रेटिंग मिली है। बावजूद उसके सबसे पॉपुलर जो है टॉम क्रूज है। टॉम क्रूज वही जो है आपका 1986 में टॉप गन फिल्म के नाम से एक अभिनय करते हैं और टॉप गन में उनको स्टारडम मिलता है। बाद में चल करके वो संभवतः 1993 में उनकी एक एमआई सीरीज मिशन इम्पॉसिबल सीरीज शुरू होती है और वो सीरीज जो है उनको विशाल मने पॉपुलैरिटी देती है। बाद के वर्षों में टॉम क्रूज जो है काफी पॉपुलरिटी होने के बावजूद जो है वो उस स्टैंडर्ड की सफलता नहीं पा रहे थे। हाल में जब पिछले साल उनकी फिल्म आती है टॉप गन मैवरिक, अपनी लाइफ की सबसे बड़ी उनको सफलता मिलती है। इस फिल्म ने जो है बॉक्स ऑफिस में उनके सारे रिकॉर्ड जो है तोड़ दिया और इस पहली फिल्म में जो उनको 8 पॉइंट की रेटिंग मिलती है। मैंने जो है 25 तारीख को इसी फिल्म से जो है पठान की तुलना की थी, कायम ये बतलाया था कि यदि ये टॉप गन टू मैवरिक जो साबित होती है उसके बाद से जो है बॉलीवुड का जो है दुर्दिन खत्म हो जाएगा और बहुत सी बातें जो है ये जो है इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जिस फिल्म से मैंने तुलना किया था टॉप गन मैवरिक से, ये शाहरुख की वो फिल्म जो है उसी स्तर पर पहुंचती है। रिलीज होने के साथ ही जो है सर बॉक्स ऑफिस से सारे रिकॉर्ड तोड़ देती है और हाल में जितनी भी रिपोर्टें आई हैं उनसे पता चलता है कि ये फिल्म तो जो है अब तक भारत की जितनी भी माने सबसे हिट फिल्म है उनका रिकॉर्ड ब्रेक करने जा रही है। हिंदी में सबसे अधिक कमाई जो है दंगल फिल्म ने की थी, 390 करोड़, लेकिन
समीक्षकों का मानना है कि ये फिल्म जो है 500 करोड़ ये पार करने जा रही है, ये बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है, तो इसकी सफलता का कोई सीमा नहीं इसका। लेकिन इसकी सफलता जो सर सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं है, इसने देश की राजनीति और समाज को ही बहुत प्रभावित किया है। इस फिल्म की सफलता से उत्साहित होकर के उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा है, पठान का सुपरहिट होना देश और दुनिया में सकारात्मक सोच की जीत है, भाजपा की नकारात्मक राजनीति को जनता का करारा जवाब है पठान। तो पठान ने सर जो है सिर्फ भारत में जो बॉक्स ऑफिस पर जो बॉम्बे की स्थिति बहुत बदतर थी बॉलीवुड की, सिर्फ उससे मुक्त नहीं किया, इसने समाज में एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। अब जरा देखिए इस फिल्म का कमाल सर, जो मैंने तुलना किया टॉप गन मैवरिक से, उसमें क्या था कि 60 की उम्र में जो है टॉम क्रूज जो एक्शन फिल्म करते हैं 60 के उम्र में, और उस फिल्म को देखने के बाद से दुनिया दंग रह जाती है कि 60 की उम्र में कोई व्यक्ति सब तक एक्शन फिल्म कैसे कर सकता है। तो लोगों ने माना कि टॉम क्रूज ने जो है इस एक्शन के जरिए साबित कर दिया है कि उम्र कोई फैक्टर नहीं है, जस्ट एक आंकड़ा है। पठान के साथ क्या होता है, 57 साल की एज में जो है शाहरुख खान जो है एक्शन में उतरते हैं, इनकी पहचान जो है आपका किंग ऑफ रोमांस के रूप में रही, ये कॉमेडी के मास्टर है, ये तमाम भाव उतार सकते थे, लेकिन जो कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि शाहरुख खान जो है एक्शन भी करेंगे। लेकिन पठान में जो शाहरुख खान का एक्शन सामने आया है, इस पर एक बड़ा अच्छा कमेंट उठ के जो सहयोगी है इस फिल्म जॉन अब्राहम उनके तरफ किया, जॉन अब्राहम ने कह दिया है कि शाहरुख खान ने साबित कर दिया कि वो इंडिया के ग्रेटेस्ट एक्शन हीरो है। आप कल्पना कीजिए कि जो एक रोमांटिक हीरो के रूप में बादशाह काम किया था, वो एक्शन के रूप में उतरता और जो है इतिहास रच देता है। लोग मानते हैं कि 57 साल की एज में शाहरुख ने जो किया है वो कमाल की चीज है। तो वही है सर, मेरा ये मानना है कि शाहरुख खान ने जो है इस फिल्म के जरिए आपका बॉम्बे का जो बॉक्स ऑफिस का जो दुर्दिन है उसको खत्म कर दिया है। ये राम गोपाल वर्मा एक बड़े जाने माने डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा कि पठान ने जो है बॉलीवुड के गौरव को लौटा दिया है। बड़े क्या कहानी है प्रसाद साहब माने जाते जौहर, उसमें, उन्होंने भी पटकथा तारीफ। कहा, स्टोरी क्या है? पठान की स्टोरी सर जो है ये क्या है, ये स्पाई थ्रिलर सीरीज की एक है, जस कंपनी ने बनाया है, यशराज कंपनी ने, वो जो है एक वो क्या नाम है जासूसी फिल्मों की सीरीज शुरू कर रही है, जिसकी शुरुआत हुई थी एक एक था टाइगर से। एक था टाइगर इस सीरीज की पहली सीरीज फिल्म थी, जिसमें जो है शाहरुख खान और सलमान खान जो है वो क्या नाम है इंडियन ये जासूस है, और उसमें जो है उनकी प्रेमिका की भूमिका में आती है एक पाकिस्तानी लड़की है। तो ये फिल्म बम्पर हिट हुई थी। बाद में जो है एक फिल्म आती है उनकी टाइगर रिटर्न्स, दूसरी फिल्म थी, ये दूसरी फिल्म रही, और इसी सीरीज की एक फिल्म आती है स्पाई एजेंट की सर पिछले दिनों वार, वार ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा के रख दिया। तो जो एक स्पाई सीरीज के माने जासूसी फिल्मों की हुई जो श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, उसी में जो है उसी सीरीज की एक कड़ी है पठान, जिसमें जो है पठान एक इंडियन जासूस का रोल कर रहे हैं और उनको जो है इस देश को बचाना है। एक रॉ का जो है एक बड़ा ही काबिल ऑफिसर वो जो है बागी हो जाता है, बागी होने के बाद से जो है भारत के खिलाफ एक साजिश करता है, और उस साजिश को जो है नाकाम करने की जिम्मेवारी जो है पठान पर आती है, और पठान को इसमें सहयोग मिलता है। पाकिस्तानी एक एजेंट है जो दीपिका पादुकोण को लेकर के जो चर्चा हुई थी, वो पाकिस्तानी एजेंट की भूमिका में उसके साथ मिल करके ये अभियान है, और इसमें जो है ये बचाने में सफल होते हैं। ये है तो बड़ी ताज्जुब की बात है सर कि जो है कि इसमें बहुत सी ऐसी बातें थी कि इस फिल्म को हिट नहीं होना चाहिए था। एक तो ये इसमें एक मुस्लिम कैरेक्टर को ग्लोरीफाई किया गया था, दूसरा ये कि हीरो कैरेक्टर को जो विलेन के रूप में उतारा गया है, जो रॉ का जो एक सीनियर ऑफिसर है और वो बागी हो जाता है इसलिए कि उसकी पत्नी को जो है आतंकवादी गिरफ्तार कर लेते हैं और बदले में जो है फिरौती मांगते हैं, सरकार जो है फिरौती नहीं देती है और पत्नी को मार दिया जाता है, तब जो है उसका भारत सरकार से मोह भंग हो जाता है और वो बागी बन करके जो है देश को बर्बाद करने पर तुल जाता है। इसी को जो है उसके अभियान को नाकाम करने की जिम्मेवारी जो पठान पर आती है, और वो बहुत ही
शानदार अंदाज में काम करता है। इस अंदाज में काम करता है सर कि 57 साल की उम्र में लगता है कि जो है शाहरुख खान के कैरियर में शायद जो है 10 साल और जो है बेहतरीन दिन आने के एक चांसेस दिख जाएंगे। ये सर जो है एक फिल्म चलिए की खासियत है। चलिए, शुक्रिया दुसाद साहब, और जल्दी मिलते हैं किसी और एपिसोड पर। और दोस्तों, एचएल दुसाद साहब हैं, फिल्म समीक्षक भी हैं, फिल्म देखते भी हैं और समीक्षा लिखते भी हैं। पूरा वीडियो देखिए, सुनिए, सुनाइए और शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। जल्दी मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में। शुक्रिया, जय।